नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। जानते हैं क्या है आज की ताजा खबरें। आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर हुआ रिलीज। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में आलिया भट्ट, अजय देवगन और विजय राज लीड रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म 25 फरवरी को रिलीज होने जा रही है और फिल्म के ट्रेलर को यूट्यूब पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। बता दें कि आलिया भट्ट पहली बार संजय लीला भंसाली के साथ काम कर रही हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर सीट से भरा नामांकन। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर सीट से नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ थे। बता दें कि योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में स्कूल कॉलेज को लेकर नई गाइडलाइन जारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी के बाद स्कूल कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला किया गया है। इसमें सबसे पहले कक्षा 9वीं से 12वीं के स्कूल 7 फरवरी से खुलेंगे। इसके बाद नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल 14 फरवरी से खोले जाएंगे। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। रेलवे ने आरआरबी परीक्षा प्रदर्शन को लेकर 2 लाख अभ्यर्थियों से संपर्क साधा। रेलवे ने एनटीपीसी और लेवल 1 की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों से संपर्क साधना शुरू किया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार गुरुवार को उसने करीब 2 लाख विद्यार्थियों से संपर्क किया। गौरतलब है कि रेलवे बोर्ड की 2021 की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी परीक्षा के विरुद्ध बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया गया था। रेलवे को प्रदर्शन के चलते परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी और उसने शिकायतों पर गौर करने के लिए एक समिति बनाई। समिति इन शिकायतों की पड़ताल करने के बाद 4 मार्च को अपनी सिफारिशें सौंपेगी। बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर छात्रों का विरोध उत्तर प्रदेश समेत बिहार में उग्र हो गया था।